आप देख सकते हैं ये फ्री फॉलर्स यके बाद दिगरे बहुत ही खूबसूरत फ्री फॉल का मुजाहरा ये बहुत ही दिलचस्प नजर आता है लेकिन ये इतना ही ख़तरनाक है इस फ़ाई मुजाहरे में पाकिस्तान आर्मी शहबाज टीम पाकिस्तान नेवी की सीगल टीम और पाकिस्तान एयरफोर्स की शाह टीम शाहपर टीम के मेबरान शामिल हैं उसके साथ साथ बहरीन फलस्तीन इराक़ तुर्की और श्रीलंका के फ्री फॉलर्स भी आज के इस मुजाहरे में शामिल हैं दस हजार फुट की बुलंदी से ये जाबाज़ फ्री फॉल का मुजाह कर रहे हैं और आपने उन्हें फ्री फॉल करते हुए देखा ये मुजाह मुश्किल भी है और ख़तरनाक भी इसमें न सिर्फ हौसले और लगन बल्कि बेहतरीन जहनी और जिसमानी आंगी की जरूरत है इस बुलंदी पे पैराशूट खुलने के बाद एक जंपर 10 किलोमीटर आगे की तरफ सफर करता है आसमान से जमीन की तरफ आती हुई धुएं की रंग की ये लकीरें दरअसल जम्पर हैं जो बाहम एक फॉर्मेशन बनाते हुए बॉडी रिलेटिव वर्क का मुजाह कर रहे थे जिसमें शामिल हैं जनरल ऑफिसर कमांडिंग एस एस जी मेजरल मुमताज़ हुसैन तमगा बसालत ब्रिगेडियर आसिफ राजा सितारा बसालत लेफ्टनल मोहम्मद इमरान हवालदार सैफुल्ला भट्टी और फिजा में कौसे किजा के रंग बखेरते हुए जब दुश्मन के साथ मुकाबला हो तो यही पैराशूट कैमफलाज हो जाती हैं

जो आज के इस फ्री फॉल मुजाहरे की क्यादत कर रहे हैं और इस बत आप देख सकते हैं एस एस जी का झंडा लहराते हुए लेफ्टिनेंट कर्नल मोहम्मद इमरान कमाडांट पैरा ट्रेनिंग स्कूल फिजाओं को मुसखर करने वाले फिजाओं का सीना चीरते हुए एस एस जी का झंडा लहराते हुए पाकिस्तान आर्मी शहबाज टीम के मेंबर लेफ्टिनेंट कर्नल मोहम्मद इमरान कमाडांट पैरा ट्रेनिंग स्कूल और खूबसूरत लैंडिंग हवा में जम पर पंद्रह से पच्चीस फुट फी की रफ्तार से नीचे और तीस से चालीस किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से आगे बढ़ रहा हो तो पैराशूट कंट्रोल करना कितना मुश्किल है और उसके लिए ये जाबाज कितनी पेशा महारत रखते हैं आप उसका अमली नमूना इस फ्री फॉल के मुजाहरे की सूरत में देख रहे हैं सियाह वर्दियों में मलबूस पाकिस्तान आर्मी शहबाज टीम सफेद वर्दियों में मलबूस पाकिस्तान नेवी की सीगल टीम और नीली गर्दियों में मलबूस पाकिस्तान एयरफोर्स शापर टीम के मम्बरान यके बाद दीगरे पेशा महारत का खूबसूरत अंदाज पाकिस्तान आर्मी शहबाज टीम के, के मेंबर और सलामी के चबूतरे के बिल्कुल सामने पाकिस्तान एयरफोर्स का झंडा लहराते हुए स्कॉडन लीडर राना तसवुर अली पाकिस्तान एयरफोर्स शापर टीम के मेंबर और सलामी के चबूतरे के बिल्कुल सामने खूबसूरत लैंडिंग का अंदाज़ जिनके अकब में सलामी के चबूतरे के बिल्कुल सामने कमांडर मोहम्मद इब्रार यूनस पाकिस्तान नेवी का झंडा लहराते हुए कमांडर मोहम्मद इब्रार यूनस बिल्कुल सलामी के चबूतरे के सामने और ये पाकिस्तान आर्मी शहबाज टीम के मेंबर सलामी के चबूतरे के बिल्कुल सामने खूबसूरत श्रीलंका का झंडा लहराते हुए मेजर अधिकारी जिनके अकब में कर्नल एस आर नजम कर्नल एस आर नजम और मेजर अधिकारी जिनका ताल्लुक श्रीलंका से है आज के इस फ्री फॉल मुजाहरे में शामिल हैं। इस वक्त सलामी के चबूतरे के बिल्कुल सामने पलस्तीन का झंडा लहराते हुए मेजर जफर अब्दुल रज़ाक और बिल्कुल सलामी के चबूतरे के सामने तुर्की का झंडा लहराते हुए मेजर जफर अब्दुल रज़ाक फलस्तीन का झंडा और सलामी के चबूतरे के सामने बहुत ही खूबसूरत अंदाज के बाद दिगरे फिजाओं का सीना चीरते हुए पाकिस्तान आर्मी शहबाज टीम पाकिस्तान और ये बहरेन के पैराट्रूपर जो आज के इस फ्री फॉल मुजाहरे में शामिल हैं बहरेन नेशनल गार्ड के कमांडर भी खूबी तौर पर आज की इस परेड में शिरकत कर रहे हैं सलामी के चबूतरे के बिल्कुल सामने कैनोपी रिलेटिव वर्क का मुजाहरा देख सकते हैं आप इस वक्त बहरेन के एक और पैराट्रूपर जिनके बैरन के पैराट्रूपर जो आज के इस फ्री फॉल मुजाहरे में शामिल हैं बरेन का झंडा लहराते हुए सलामी के चबूतरे के बिल्कुल एन ऊपर स्टाफ सार्जेंट जासम मोहम्मद अलमंसूरी और ये कैनोपी रिलेटिव वर्क का मुजाहरा हो रहा है पाकिस्तान आर्मी शेबाज टीम के मेंबरान मेजर आकिल इनकी क्यादत कर रहे हैं पाकिस्तान आर्मी का झंडा लहराते हुए पाकिस्तान आर्मी शहबाज टीम के मेंबर ब्रिगेडियर आसिफ राजा बैरेन के पैराट्रूपर सलामी के चबूतरे के बिल्कुल सामने आसिफ राजा सतारा बसालत पाकिस्तान आर्मी का झंडा लहराते हुए सलामी के चबूतरे के बिल्कुल सामने और लैंडिंग का खूबसूरत अंदाज कैनोपी रिलेटिव वर्क का मुजाहरा जिसमें शामिल हैं मेजर आकिल और पाकिस्तान आर्मी शहबाज़ टीम के मम्बरान ये मुजाहरा जितना ही दिलचस्प नज़र आता है उतना ही ये पुरखतर खवती हज़रा इस वक्त सलामी के चबूतरे के बिल्कुल सामने पाकिस्तान का सब झिली परचम लहराते हुए पाकिस्तान के परचम के रंग का पैराशूट पहने हुए जनरल ऑफिसर कमांडिंग एसएसजी मेजर जनरल मुमताज़ हुसैन तमगा बसालत आज के इस फ्री फॉल मुजाहरे की क्यादत कर रहे हैं ऑपरेशन प्योचार के हीरो द दे मोस्ट डेरिंग कमांडो और लैंडिंग का खूबसूरत अंदाज ये है वो नमूना पाकिस्तान आर्मी का जवान हो जनरल हो ये मैदान हाजिर है और इसका अमली सबूत मेजर जनरल मुमताज हुसैन तमगा बसालत ने दिया है ऑपरेशन प्योचार में ये शदीद तरीन जख्मी हुए लेकिन जख्मी होने के बावजूद इन्होंने अपना टास्क मुकम्मल किया ये ये संगी हिसारों की ऊंची ये दरिया ये सागर ये सहरा ये झीलें, यही हैं नशेमन यही हैं आशियाने ओकाबों के मस्कन हमारे ठिकाने मसाइब के तूफा हवादस की मौजें बलाओं के रेले गोलों की फौजें हमें जिंदा रखने के हैं सब बहाने यही एक हकीकत है बाकी फसाने हमारे मुकाबिल हो है किसकी हस्ती हमारे लिए हर बुलंदी है पस्ती हमें क्या चले आप माजी सुनाने सितारों से आगे हमारे जमाने निडर नेक दिल सब शिकन बेरिया है हिमालय तो क्या आसमां जेरपा रिपा है दिलों में भरे ला इलाके खजाने निगाहों में बिजली लबों पर तराने बहुत कम सुखन और गुमनाम हैं हम जो सच पूछते हो तो इबहाम हैं हम खुतिन हजरात